हेलो नमस्कार दर्शकों, लोकसभा 2024 के चुनाव से जुड़ी हर अपडेट हम आपके लिए लगातार लेके आ रहे हैं। देश में लोकसभा चुनाव 2024 के चलते नए नए आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं। इसी बीच आज इस वीडियो में हम ऐसे ही अनुमानित आंकड़ों पर चर्चा करने वाले हैं जो आंकड़े सटीकता को लेकर 500 सालों से भी अधिक विश्वसनीय रहे हैं। जी हाँ दर्शकों, आप सही सोच रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फलौदी सट्टा बाजार की, जिसने हाल ही में लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़े अनुमानित आंकड़े जारी कर दिए हैं और आज हम इन्हीं आंकड़ों के आधार पर बताएंगे कि लोकसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी की सरकार या सत्ता बन सकती है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है और कौन देश का अगला प्रधानमंत्री हो सकता है, क्या वो एनडीए बीजेपी से होगा या फिर इंडिया अलायंस से होगा। तो इन सभी की जो चर्चा है वो हम लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और सर से जानने की कोशिश करते हैं कि किन किन राज्यों के अंदर हमें बीजेपी के अंदर उतार और चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो सर, आपकी इसके ऊपर क्या राय है और अपने दर्शकों को जो है आप बताएं कि किन किन राज्यों के अंदर जो है बीजेपी की सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है या यूं कहें कि बीजेपी को कहीं ना कहीं किन्हीं स्टेट से फायदा भी हो सकता है, तो दर्शकों को बताएं सर। कल हमने बताया था कि फलौदी सट्टा बाजार के आधार पर राजस्थान में किस सीट से कौन जीत रहा है। वैसे हम फलौदी सट्टा बाजार को प्रमोट नहीं करते हैं जी, लेकिन लोगों का इंटरेस्ट बना होता है, उत्सुकता बनी होती है चुनाव में कि भाई कौन जीत रहा है, कहाँ जीत रहा है, तो इस वजह से हम ये आंकड़े उनके सामने लेके आ रहे हैं हर दिन। आज हम फलौदी सट्टा बाजार ने जो देश के आंकड़े जारी करे हैं उनकी इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। उनके आधार पर हम बताने वाले हैं कि किस पार्टी की सत्ता आ रही है इस बार। सबसे पहले हम प्रधानमंत्री का दावेदार कौन हो सकता है फलौदी सट्टा बाजार के आधार पर, और साथ ही अंत में वीडियो के ये बताएंगे कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं फलौदी सट्टा बाजार के आधार पर। अगर सबसे पहले मैं शुरुआत करूँ दिल्ली से, जी सर, दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली में ही सबको आना है जी, दिल्ली के लिए ही ये लड़ाई है जी और दिल्ली की गद्दी पे ही सबको बैठना है जी। तो सर, जैसा आपने बताया कि सभी को जो है दिल्ली की सीट या दिल्ली पे एक प्रकार से राज चाहिए जो है पूरे देश के ऊपर राज कर सके, लेकिन सर अगर बात की जाए कि जिस प्रकार इस चुनाव में उतार चढ़ाव अपने को देखने को मिले, तो क्या कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जो बीजेपी की सीटों के ऊपर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि दिल्ली की सत्ता में सबको आना है, तो हम दिल्ली से ही शुरुआत करते हैं कि बीजेपी को वहां पर क्या नुकसान होता हुआ दिख रहा है या फायदा जी। बीजेपी को फलौदी सट्टा बाजार इस बार सीटें कम दे रहा है या फिर पिछले दो बार की, जैसे 2014 में भी उनको 7 की 7 सीटें मिली थी जी, 2019 में भी 7 की 7 सीटें मिली, इस बार भी क्या 7 की 7 सीटें दे रहा है या नहीं जी सर। अगर फलौदी सट्टा बाजार के अनुमान को माने तो इस बार बीजेपी को 6 से 7 सीट मिल सकती है जी, यानी कि बीजेपी को एक सीट का नुकसान हो भी सकता है या नहीं भी। बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होता दिख रहा केजरीवाल जी के जेल में जाने का, अगर फलौदी सट्टा बाजार की माने तो जी। और जिस प्रकार के दिल्ली के राजनीति में उतार चढ़ाव हुए उसका माहौल भी जो है इन चुनाव पे तो हमें देखने को कहीं ना कहीं नहीं मिल रहा है, वो फलौदी सट्टा बाजार के अगर माने तो। हाँ, अगर फलौदी सट्टा बाजार के आंकड़ों के आधार पर हम लें तो ये दिल्ली की सत्ता में कोई फेरबदल होता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर एक सीट का नुकसान होता है तो शायद मुझे लगता है बीजेपी को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन सर, वहीं अगर अपन बात करें जिन जिन राज्यों के अंदर बीजेपी अधिकता या ये कहें कि ज़्यादातर बहुमत प्राप्त करके जो अपनी सरकार बना पाती है, क्या उनमें भी कहीं सेम सिचुएशन या सेम कंडीशन के आधार पर जो है इस बार के चुनाव हुए हैं? वैसे देखो, मैं अपने जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके भी मैं ओपिनियन साथ साथ में बताते जाता हूँ हर स्टेट के। जैसे अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में अगर जो अपना ओपिनियन है या जो हमारी टीम ने किया है जो सर्वे उसके आधार पर देखें तो 4 से 5 बीजेपी की सीटें आ सकती हैं और 2 से 3 सीटें बीजेपी की हाथ से जा सकती हैं। वहीं फलौदी सट्टा बाजार एक सीट का नुकसान दिखा रहा है जी। तो सर, जैसे हमने बात की दिल्ली की, इसके बाद अगर नेक्स्ट स्टेट की बात की जाए सर, तो वहां के लोगों ने भी जो है बीजेपी को तहे दिल से जो है उसका स्वागत किया था किसी ने किसी प्रकार से, और उन स्टेट में जो है हमें मोदी की जो है लहर एक प्रकार से आप कह सकते हो, जिसको लहर भी नहीं आप सुनामी कह सकते हो, कि इस प्रकार की जो हमें देखने को मिली थी और बीजेपी को 25 की 25 सीटें जो है उस स्टेट ने थमाई थी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान की। तो सर से जानने की कोशिश करते हैं कि राजस्थान में किस प्रकार का माहौल हमें देखने को मिल रहा है सर। देखो, फलौदी सट्टा बाजार के आधार को माने तो फलौदी सट्टा बाजार राजस्थान में बीजेपी को कंफर्म 12 से 13 सीटें दे रहा है जी, और कुछ 4 से 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर कड़ी टक्कर है जी। वो ये कह रहा है कि कांग्रेस के खाते में भी जा सकती हैं और बीजेपी के खाते में भी जी। ऐसे 5 से 6 सीटें ऐसी हैं कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर इस बार फलौदी सट्टा बाजार के अनुमानों को देखें तो 50-50 सा लग रहा है, क्योंकि 50% सीटें ही बीजेपी के खाते में डालता हुआ भी दिखाई दे रहा है। जिन पे कड़ी टक्कर बता रहा है उसका मतलब है कि वहाँ पे क्लियर नहीं हुआ है कि अभी सीटें किसके हाथ में जाएंगी जी।
अगर वो सीटें भी बीजेपी के हाथ में आती हैं तो 17 से 18 सीटें आ जाएंगी बीजेपी के हाथ में। अगर वो सीटें कांग्रेस के हाथ में चली जाती हैं तो बीजेपी 12 से 13 पर सिमट कर रह जाएगी, जो बहुत बड़ा अपसेट होगा राजस्थान में बीजेपी के लिए, जो दिल्ली के परिणाम से बहुत ही अलग है। दिल्ली में शायद एक ही सीट का नुकसान हो रहा था, यहाँ पर 12 से 13 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं अपना अगर जो सर्वे की बात करें तो अपना सर्वे भी कुछ ऐसा सा ही है, 12 से 13 सीटें बीजेपी की कंफर्म है, 4 से 5 सीटों पर मुकाबला कड़ा है और कांग्रेस के खाते में 6 से 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके बाद सर जैसे एक और स्टेट की बात कर ली जाए, जहां भी जो है लोगों ने लगातार जो है, और वहां से अगर उस स्टेट की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहीं ना कहीं उसी स्टेट से जो है लगातार अपने चुनाव जो है वो लड़ते हैं और देश के जो है पीएम बनते हैं, तो अगर उस स्टेट की बात की जाए तो आप भी समझ गए होंगे मैं किस स्टेट की यहाँ पे बात करने वाला हूँ, तो उस स्टेट का नाम भी जो है आप ही अपने दर्शकों को बताएं और किस प्रकार का जो माहौल देखने को मिला है तो वो भी बताएं। आप बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश स्टेट की, जहाँ से पीएम अपने 2 बार चुनाव लड़कर आए हैं और पीएम की गद्दी पर विराजमान हुए हैं जी। पर उत्तर प्रदेश की इस बार बात की जाए फलौदी सट्टा बाजार के आधार पर, तो पिछले बार 62 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी जी सर, लेकिन इस बार सीटें बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है ना कि कम होते हुए, तो इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री जी का वहाँ पर बार बार दौरे करना, योगी आदित्यनाथ जी का वहाँ पे काम जी, और साथ ही राम मंदिर जैसे मुद्दे वहाँ पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं अन्य दलों पर, अगर फलौदी सट्टा बाजार को आधार माने तो। वहीं अपना जो अनुमान है उसके आधार पे भी कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं आ रहा है, वहाँ पर बीजेपी को 60 सीटें करीब करीब निकलती हुई दिखाई दे रही है, 20 सीटें ही अन्य या फिर इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अपने सर्वे के आधार पर 2 सीटों का नुकसान हो रहा है, जबकि फलौदी सट्टा बाजार की माने तो 3 सीटों का फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है जी सर। तो सर इसी क्रम में जैसे अपन आगे चलते हुए बात करें साउथ के स्टेटों की, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का इस बार 2024 के अंदर फोकस जो है वो भी साउथ के स्टेटों के ऊपर बना हुआ है, और अगर बात की जाए सर तमिलनाडु की, तो इस बार जो है तमिलनाडु की राजनीति में जो है कितना उतार चढ़ाव जो है अपने को देखने को मिलेगा सर? देखो तमिलनाडु पे प्रधानमंत्री जी पूरे साउथ पे फोकस करके बैठे हैं, उनको चाहिए कि वहाँ से कुछ सीटें निकलें। अगर तमिलनाडु की बात करी तो जाए तो 2019 में बीजेपी का खाता वहाँ पे नहीं खुला था, लेकिन इस बार तमिलनाडु में बीजेपी को 3 से 4 सीटें फलौदी सट्टा बाजार दिखा रहा है। इसका मतलब है बीजेपी को खाता तो खुलता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन बहुत बड़ा फायदा नहीं हो रहा है, वहाँ पर 38 सीटें हैं टोटल, बस सिर्फ बीजेपी के 3 से 4 सीटें ही आ रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की मेहनत का आप ये कह सकते हो कि 0 से 3 से 4 सीटें वो पर पहुँच गए हैं जी, और ना से कुछ मिलता हुआ तो दिखाई दे ही रहा है जी। और अगर अभी जैसे हम हर सीट पे अपने सर्वे बता रहे हैं, अपने सर्वे के आधार पर अगर कहें तो हमारे सर्वे के आधार पर बीजेपी को 1 से 2 सीट मिल सकती है यहाँ पे, यानी खाता हमारे सर्वे के आधार भी खुलता हुआ दिखाई दे रहा है जी। लेकिन हमारा सर्वे 3 से 4 सीटें नहीं दे रहा है जी। तो सर जैसे अपन ने अभी फिलहाल दक्षिणी राज्यों की कुछ बात कर ली, अगर इसके बाद अपन बात करें पश्चिमी राज्यों की, तो उसके अंदर जो है बीजेपी लगातार जो एक प्रकार से बहुत ज्यादा जोर या राजनीति को चेंज करने की कोशिश भी लगातार की जा रही है, तो सर अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो किस प्रकार का माहौल या किस प्रकार की राजनीति हमें पश्चिम बंगाल में देखने को मिल सकती है, तो इसके ऊपर जो फलौदी सट्टा बाजार है उसकी भी क्या राय है, एक बार दर्शकों को आप जो है रखें उनके सामने। देखो वेस्ट बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं टोटल, पिछली बार की अगर बात की जाए तो 2 कांग्रेस के खाते में आई थी जी सर, 18 सीट बीजेपी के खाते में गई थी जी, और 22 सीट अदर्स के यानी कि टीएमसी के खाते में गई थी। अगर इस बार आधार लेके माने जितनी जान बीजेपी ने लगा रखी है वेस्ट बंगाल में, उसके हिसाब से 4 से 5 सीटों का फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है फलौदी सट्टा बाजार। पिछली बार 18 सीटें आई थी, इस बार 20 से 22 सीटें वो दिखा रहा है जी। लेकिन हमारा अनुमान इसके विपरीत है जी। हमारा अनुमान यही कह रहा है कि बीजेपी पिछले वाली परफॉर्मेंस ही दोहरा पाएगी, कुछ बढ़ोतरी या घटोतरी नहीं होगी उनकी उसमें जी। और यहाँ पे सर मैं दर्शकों को आप वाली बात जो है रिपीट करना चाहूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं दीदी यहाँ पे जो है भैया पे फिर से जो है भारी पड़ती हुई जी। इसके बाद अगर नेक्स्ट स्टेट की बात की जाए एमपी की या मध्य प्रदेश यूं कहे, तो इनके अंदर जो है किस प्रकार का बीजेपी का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है, और फलौदी सट्टा बाजार जो है किस पार्टी को अपने अनुमानों के अनुसार किस पार्टी को विजय जो है कर रहा है, तो इसके ऊपर जो क्या राय है आपकी? देखो सबसे पहले हम 2019 की बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर 29 लोकसभा सीटें हैं जी, जिसमें से सिर्फ एक ही कांग्रेस जीत पाई थी, 28 बीजेपी ने जीती थी। लेकिन इस बार फलौदी सट्टा बाजार 2 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है,
यानी कि पिछले बार एक सीट का नुकसान हुआ था, इस बार दो सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। फलौदी सट्टा बाजार की माने तो मध्य प्रदेश में बीजेपी को 27 से 29 सीटें मिल सकती हैं, लेकिन वहीं हमारे अनुमान की बात की जाए तो बीजेपी को 29 की 29 सीटें यहां पर जीत सकती है बीजेपी, और कहीं ना कहीं चांस है इस चीज। हाँ, हमारा सर्वे ये कह रहा है कि बीजेपी यहां पर सुपड़ा साफ कर देगी अन्य पार्टियों का, तो फुल बटे फुल नंबर आने वाले हैं बीजेपी को। तो अगर फलौदी सट्टा बाजार हमारे हिसाब से एक या दो सीट कम दे रहा है और हमारी सीटें एक से दो अधिक हो रही हैं। तो सर, हमने जैसे बात की मध्य प्रदेश की, तो आपने अपने आंकड़े जो है दर्शकों के सामने पेश किए। इसके बाद सर हम बात करते हैं एक साउथ की स्टेट की, जहां के सीएम जो है लगातार अपने बेबाक बयानों को लेकर जो है लगातार चर्चाओं में भी बने रहते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी सुर्खियां जो है हमें मीडिया में भी कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाती है। तो इस स्टेट की अगर बात की जाए, तो इस स्टेट में जो है बीजेपी का किस प्रकार का माहौल अपने को दिखाई देगा, तो इस चीज की जो फलौदी सट्टा बाजार क्या कह रहा है, तो इस चीज के ऊपर क्या राय है आपकी? देखो, तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें हैं और वहाँ पर पिछली बार की बात की जाए तो 3 कांग्रेस के खाते में आई थी, 4 बीजेपी के खाते में गई थी और अदर्स बाकी 10 की जो सीटें थी वो अदर्स के खाते में गई थी जी। और जैसा आपने कहा कि वहाँ के सीएम हमेशा अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं, हाल ही में उनका एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी को साउथ से 10 से अधिक सीटें नहीं मिलेंगी। लेकिन फलौदी सट्टा बाजार की माने तो तेलंगाना में बीजेपी 6 से 7 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है, जो पिछले साल से 2 से 3 सीटें बढ़ोतरी करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं हमारे अनुमान के अनुसार भी यह आंकड़ा कहीं ना कहीं सटीक साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे आंकड़े के अनुसार भी बीजेपी इतनी सीटें तेलंगाना से निकाल लेगी। तो दर्शकों, यहाँ पे हमने जो स्टेट वाइज अगर बात की, तो स्टेट वाइज जो है फलौदी सट्टा बाजार की तरफ से इतने आंकड़े जो है पेश हुए थे, उन सीटों की हमने आपके साथ चर्चा कर ली। अगर बात की जाए ओवरऑल सीटों की, तो सर किस प्रकार का माहौल जो है फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार सीटों की जो है बताई जा रही है, तो इस चीज़ के ऊपर आप दर्शकों के साथ शेयर करें। देखो, फलौदी सट्टा बाजार लगातार अपने अनुमान जारी कर रहा है जी। अभी तक उन्होंने सिर्फ 7 स्टेट जिनमें हमने चर्चा करी, दिल्ली की, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के जारी आंकड़े कर दिए हैं जी। वो आंकड़े हमने अपने दर्शकों से साझा भी कर दिए हैं जी। इसी के साथ फलौदी सट्टा बाजार ने यह भी आंकड़े जारी कर दिए हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें देश में आएंगी जी। तो सर अगर बात की जाए, जैसे आपने अभी दर्शकों को फलौदी सट्टा बाजार का हाल बताया, या यूं कहे कि एनडीए की जो है कितनी सीटें इस बार जो है देखने को मिल सकती है, अगर बात की जाए इनकी अलग अलग कि अगर बीजेपी को कितनी सीटें जो है मिलेंगी और इनके अलायंस करने से जो है एनडीए यू कहे कि इसको कितनी सीटें मिल सकती है, तो इसके ऊपर आपके जो है क्या राय है इसके ऊपर? देखो, आपने सही सवाल पूछा है, हमने बात करी है एनडीए की जी, लेकिन बीजेपी को कितनी सीटें आ रही हैं ये हमने नहीं बताया। तो मैं आपको बता दूं, इसमें से 30 से 35 सीटें एनडीए अलायंस को जा रही हैं, बाकी की जो सीटें बच गई वो बीजेपी की सीटें हैं जी। तो कहीं ना कहीं अब इसके बाद सर हम नेक्स्ट बात करें फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार, तो इंडिया अलायंस यू कहे कि इसको जो है देश भर से कितनी सीटें मिल सकती हैं, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे, तो सर इसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखो, इंडिया अलायंस की बात की जाए तो मैं आपको अलग अलग आंकड़े बता देता हूँ जी। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस इस बार 90 से 100 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार जी सर। वहीं इंडिया अलायंस मतलब अलायंस जो पार्टियां अलग लड़ रही हैं उनकी बात की जाए तो 100 से 150 सीटें उनके अलायंस के पास जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर दोनों की टोटल की बात की जाए तो वहीं बीजेपी का नंबर से ये 10 नंबर कम रह रहे हैं, यानी कि इनको 240 से 250 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है फलौदी सट्टा बाजार के आधार पर। लेकिन अगर बात की जाए सर, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि लगातार जो है जिस प्रकार का इन्होंने देश के अंदर माहौल बनाया कांग्रेस ने, या यूं कहे कि लोकल पार्टियों से जाकर इन्होंने कुछ अलायंस किए, या फिर यूँ कहे कि इंडिया अलायंस के नाम से नई एक अलायंस का उदय हुआ, तो उसका जो है कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है देश के अंदर, या यूँ कहे कि राजनीति के अंदर एक नया बदलाव जो है वो इस बार जो है हमें साफ देखने को कहीं ना कहीं मिल सकता है। तो फलौदी सट्टा बाजार की इसके ऊपर क्या राय है, तो वो भी आप एक बार दर्शकों को बता ही दे। देखो, फलौदी सट्टा बाजार को भी आधार माने और जितने सर्वे आ रहे हैं उनको भी आधार माने, इंडिया गठबंधन का फायदा कांग्रेस को होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर देखो फलौदी सट्टा बाजार के आंकड़ों को आप देखोगे तो उसमें कांग्रेस को सिर्फ 90 से 100 ही सीटें आ रही हैं, वहीं उनके अलायंस को सीटें 100 से 150 दिखा रहा है जी। तो इसका मतलब है वो कांग्रेस से भी ज्यादा सीटें निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो अगर वो ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं तो उसका फायदा भी उनको देखने को मिल रहा है जी। अगर यह अनुमान सही साबित होता है तो इसके आधार पर इंडिया अलायंस को 240 से 250 सीटें मिलेंगी, जो बीजेपी से सिर्फ 10 ही सीटें कम है। लेकिन एक आपको बात मैं इसके साथ बता दूं,
कि 272 का जो जादुई आंकड़ा है उसको इस फलोदी सट्टा बाजार के अनुमानों के आधार पर कोई भी अभी पार करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर सर यही एक और सवाल उठता है कि अगर बात की जाए, आप कह रहे हो कि दोनों पार्टियां जो है कि इतनी इतनी सीटें जो है इनके अंतर भी जो है ज्यादा का नहीं देखने को मिलेगा, तो सर कहीं ना कहीं हो सकता है कि आदर्श जो है, या यूं कहे कि वहां की जो लोकल पार्टियां हैं जो अपने खुद के बेस के ऊपर चुनाव लड़ रही है, तो क्या कहीं ना कहीं वो जो देश का पीएम डिक्लेयर करने के अंदर कहीं ना कहीं उनकी भूमिका जो है वो सामने निकल के आ सकती है? देखो, अब अभी तक जो आंकड़े आ रहे हैं अगर फलोदी सट्टा बाजार की माने तो इस बार अदर का फैक्टर बहुत बड़ा होगा। जिसकी तरफ अदर होंगे उसकी सरकार होगी, सीधी सीधी सी बात है। देखो, अगर ये आंकड़ों को अपन माने, अगर बीजेपी को 260 सीटें आ जाती हैं तो 272 नंबर से वो फिर भी दूर रह जाते हैं, 12 सीटें कम रह जाती हैं, 12 सीटों के लिए उनको अदर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन ये भी अपना सिस्टम है कि सबसे पहले राष्ट्रपति उसी पार्टी को बुलाता है जिसके पास सीटें थोड़ी अधिक होती हैं सरकार बनाने के लिए। अब पहले तो बीजेपी को बुलाया जाएगा, और बीजेपी अगर अदर्स को अपने में शामिल करती है तो सरकार बीजेपी की ही बनेगी। लेकिन इसके विपरीत अगर इंडिया गठबंधन सारे अदर्स को अपने पास ले जाता है और वो बीजेपी के साथ शामिल नहीं होते, तो दूसरा मौका फिर इंडिया गठबंधन को मिलेगा। और इंडिया गठबंधन के पास अगर 250 सीटें आती हैं तो उनके बहुमत से वो 22 नंबर्स दूर रह जाएंगे, नंबर दूर रह जाएंगे, मतलब 22 सीटों से दूर रह जाएंगे। तो वो 22 सीटें अगर अदर्स उनको दे देते हैं तो सरकार फिर इंडिया गठबंधन की देश में बनेगी। अगर मैं अदर की सीटों की बात करूं तो फलोदी सट्टा बाजार 30 से 33 सीट पूरे देश में अदर्स को दे रहा है जो ना इंडिया गठबंधन में शामिल है ना एनडीए में शामिल है। वहीं हमारा जो अनुमान है, हमारे जो आंकड़े हैं उसके अनुसार भी यही है कि इस बार किसी की भी सरकार बहुमत में नहीं आ रही है, पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बन। हाँ, जो 272 का आंकड़ा है उसके आसपास रह जा रही हैं दोनों पार्टियां, चाहे वो इंडिया अलायंस हो चाहे एनडीए अलायंस हो। इस बार अदर का फैक्टर बहुत बड़ा होगा जी। तो सर, जैसा आपने अभी बताया कि अदर्स का जो है इस बार कहीं ना कहीं फैक्टर जो है वो सामने निकल के आएगा, और हिंदुस्तान में जो है एक प्रकार कहे कि नई राजनीति जो है उसका उदय होने वाला है, तो सर इसके ऊपर भी अगर आप कुछ दो बातें जो है अपने दर्शकों के सामने रखना चाहें तो। देखो, हमने क्लियर बताया है आपको कि ये फलोदी सट्टा बाजार के आधार पर ये आंकड़े हैं, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। हमने वीडियो की शुरुआत में भी बोला था, लोगों की उत्सुकता बनी रहती है इसलिए हम ये आंकड़े आपके सामने लेके आ रहे हैं। ये आंकड़े ऊपर नीचे भी अभी होंगे, ऐसी बात नहीं है कि ये आंकड़े फाइनल हैं, क्योंकि अभी काफ़ी दो ही चरणों का चुनाव हुआ है, काफ़ी चरणों का चुनाव अभी बाकी है। तो मतलब सट्टा बाजार अभी भी अपने नए रेट दाम जारी करता रहेगा। जैसे जैसे चरणों के चुनाव आगे बढ़ेंगे हमारी रिपोर्ट्स भी आती रहेंगी, उसमें भी थोड़ा बहुत आगे पीछे होता रहेगा। अब जैसे जो भी आगे पीछे होगा वो हम वीडियो के माध्यम से लगातार अपने दर्शकों को बताते रहेंगे। तो दर्शकों, आज की इस वीडियो में हमने फलोदी सट्टा बाजार और अपने आंकड़े जो सामने निकल के आए हैं उनके आधार पर आपको बताया कि देश के अंदर किस पार्टी की कितनी सीटें आ सकती है। वहीं आपके अनुसार देश में अगला प्रधानमंत्री कौन हो सकता है, किस पार्टी की कितनी सीटें जो है वो हमें देखने को मिल सकती है, या फिर यूँ कहें कि किसकी सरकार जो है वो इस बार हमें देखने को मिल सकती है, आप नीचे अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है वो हमारे साथ जरूर शेयर करें। अब तक की वीडियो में मैं आपके साथ था सचिन यादव और हमारे साथ सर पुरुषोत्तम शर्मा जी। तो इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको यहाँ पर सबसे पहले मिल सके। तो धन्यवाद। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।